गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की बनी थी, छत फूस की थी। यहाँ रहती थी राधा। राधा एक विधवा थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके साथ उसका एक बेटा था। राधा बहुत गरीब थी, वह बहुत मेहनत करती थी, वह गांव वालों के घरों में काम करती थी, इससे वह अपने बेटे का पेट पालती थी। जिंदगी बहुत कठिन था, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी झोपड़ी पुरानी थी, पर यह उसका घर था। यह घर उसे अपने पति की याद दिलाता था, यहाँ उन्होंने एक साथ जीवन बिताया था, यहाँ उनके बेटे का जन्म हुआ था। राधा को अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार था, यह उसकी दुनिया थी। गांव का जमींदार बहुत अमीर था, उसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। उसके पास बहुत जमीन थी, उसके पास बहुत पैसा था, पर ठाकुर प्रताप सिंह हमेशा और चाहता था। उसकी नजर राधा की झोपड़ी पर पड़ी, यह झोपड़ी उसकी जमीन के पास थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने सोचा कि अगर यह झोपड़ी न हो तो उसकी जमीन और बड़ी हो जाएगी। वह चाहता था कि उसकी सारी जमीन एक साथ हो, इससे उसकी शान और बढ़ेगी। उसने अपने नौकरों को भेजा, उन्हें राधा से मिलने के लिए कहा, उन्हें राधा से उसकी झोपड़ी खाली करने के लिए कहना था। एक दिन राधा की पोती आई हुई थी, उसका नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत छोटी थी, वह अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया ने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे भूख लगी है। राधा ने कहा, बेटा आज मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर गुड़िया उदास हो गई। उसने अपनी नानी से कहा, नानी क्या आप मुझे मिट्टी की रोटी बनाकर देंगी? मुझे वही रोटी पसंद है जो आप इस झोपड़ी की मिट्टी से बनाती हैं। ठाकुर प्रताप सिंह के नौकर राधा के घर आए। उन्होंने कहा, जमींदार साहब ने तुम्हें यह झोपड़ी खाली करने का हुक्म दिया है। राधा हैरान रह गई। उसने कहा, पर मैं कहां जाऊंगी, यह मेरा घर है। नौकरों ने कहा, हमें नहीं पता, तुम बस यह झोपड़ी खाली कर दो। राधा बहुत डर गई। उसने नौकरों से कहा, मुझे जमींदार साहब से मिलना है। राधा ठाकुर प्रताप सिंह के पास गई। उसने कहा, जमींदार साहब ये मेरा घर है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी झोपड़ी की जरूरत है, मैं अपनी जमीन बढ़ाना चाहता हूँ। राधा ने कहा, जमींदार साहब मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ रहती हूँ। राधा रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जमींदार साहब मेरी पोती मुझसे इसी झोपड़ी की मिट्टी से बनी रोटी मांग रही है, क्या आप उसकी यह छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ठाकुर प्रताप सिंह का दिल पिघल गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से किसी को इतनी तकलीफ हो सकती है। ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, माफ करना, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा नहीं था। उसने राधा से कहा, तुम अपनी झोपड़ी में रह सकती हो। राधा बहुत खुश हुई, उसने जमींदार साहब का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर प्रताप सिंह ने राधा को पैसे भी दिए। उन्होंने कहा, इन पैसों से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना खरीदो। राधा अपने घर वापस आई, वह बहुत खुश थी। उसने अपनी पोती को मिट्टी की रोटी बनाकर दी। गुड़िया बहुत खुश हुई, उसने अपनी नानी को गले लगा लिया। ठाकुर प्रताप सिंह ने उस दिन एक सबक सीखा था। उसने सीखा था कि पैसे से ज्यादा जरूरी है इंसानियत।